क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी की। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल होता क्या है? लाइफ साइकिल इज ऑल द चेंजेस दैट एन एनिमल गोस थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से डेथ तक जितनी भी चेंजेस होती हैं एक एनिमल की लाइफ के अंदर, वो सारी क्या है, उसका लाइफ साइकिल कहलाती है। हियर वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। इट हैज फोर स्टेजेस: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एग्स। There are three types of bees: queen, worker and drones. Queen क्या करती है? Queen का काम क्या है? Queen ने सिर्फ egg ले करना है। Egg ले जब वो कर देती है, उसके बाद हम उसको honeycomb के अंदर रख के 3 to 4 days के बाद जो egg है वो hatches होता है। उसके बाद next उसकी stage आ जाती है larva stage। Larva stage में होता क्या है? Larva जो होता है वो flatworm की तरह होता है। उसके बाद इसमें जो वर्कर्स है, मैंने आपको पहले टाइप्स बताई थी, इसकी वर्कर्स थी, बीस थी और क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। क्वीन ने तो एग लेके उसका काम खत्म हो गया। अब बात आ गई है वर्कर्स की। वर्कर्स क्या करते हैं? वो जो लार्वा है उसको ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ को नरिशमेंट के लिए फीड की जरूरत होती है। तो वर्कर का काम क्या है कि इन्होंने लार्वा को फीड प्रोवाइड करनी है। वर्कर्स सिर्फ अपना वर्कर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि सिर्फ काम करती हैं, इन लोगों ने एग ले नहीं करना होता। उसके बाद ये तकरीबन 8 to 9 days के बाद जो लार्वा है वो फुली ग्रोन कर जाता है। उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं उनका काम क्या है, उन्होंने सेल को ऊपर से सील कर देना होता है। उसके बाद जो सील आउट किया होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसकी आ जाती है, प्यूपा स्टेज। ड्यूरिंग प्यूपा स्टेज जो सेल है वो प्रोटेक्ट करता है प्यूपा को। और यहाँ पे क्या होना होता है कि जितनी भी एक अडल्ट बी को लाइफ गुजारने के लिए फीचर्स या उसके जो विंग्स वगैरह वो सारी ग्रोथ है वो प्यूपा स्टेज पे आगे हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि तकरीबन 16 to 24 days लगते हैं इसको अपने प्यूपा को जो है वो एक अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसकी अडल्ट स्टेज। प्यूपा से नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है वो अडल्ट स्टेज है। अडल्ट स्टेज में जब जो प्यूपा है फुली ग्रोन कर जाता है, अडल्ट स्टेज में आ जाता है, फिर वो जो है वो सेल से बाहर निकल आता है और अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 3 types होती हैं बीज की, क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। क्वीन और जो वर्कर्स हैं ये फीमेल्स हैं और जो ड्रोन्स हैं ये मेल हैं। ऑल प्ले रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी। होप सो क्लास आपको इस पूरी एक्टिविटी की समझ आ गई होगी।